दोस्तों मैं हूं आपका बबलू लाहौरी। दोस्तों आज मेरे पास है यहां पे Redmi Note 9S अनबॉक्सिंग। इस डिवाइस की आपने काफ़ी देख ली होंगी, इसलिए मैंने इसकी सेपरेट से अनबॉक्सिंग प्लान नहीं की, बिकॉज अपना काम ज़रा उसके बाद का है। और आज की इस वीडियो में Redmi Note 9S की एक क्विक अनबॉक्सिंग के साथ आपको मिलेगा यहां पे फुल ऑन रिव्यू, बिकॉज पिछले चार दिनों से इस डिवाइस को दिन रात यूज़ कर रहा हूं, सब कुछ पता है इस डिवाइस के बारे में और सब कुछ बताने वाला हूं आपको। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। कोई भी क्वेश्चन हो तो #बबलूलाहौरी लगा के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। ये रही दोस्तों यहां पे डिवाइस Redmi Note 9S का बॉक्स, वो तस्वीर के साथ बड़ा करके मेंशन किया गया है। राइट साइड पे आपको वारंटी कार्ड बॉक्स के बाहर वाली साइड पे देखने को मिल जाता है, और फर्दर बॉक्स के ऊपर जा रहे डिटेल्स नहीं मेंशन की गई। चलिए जल्दी से बॉक्स को करते हैं ओपन और देखते हैं बॉक्स कंटेंट क्या क्या मिलते हैं। ये सबसे ऊपर लिड है, इसमें आपको सिम इजेक्टर पिन मिल जाती है, कुछ पेपर मैनुअल्स हैं, और यहाँ पे एक सिलिकन केस आपको देखने को मिलता है जिसकी क्वालिटी कुछ बेहतर लग रही है मुझे। और यहाँ पर डस्ट प्लग्स को भी इंक्लूड किया गया, जो अच्छी बात है, तो ओवरऑल कुछ बेहतर ही लग रहा है। आते हैं यहाँ पर डिवाइस की तरफ। पेपर के ऊपर यहाँ पे मेन हाइलाइटिंग फीचर्स को मेंशन किया गया है, और आज की हमारी डिवाइस अरोरा ब्लू कलर के अंदर है। डिवाइस को रखते हैं साइड पे, फर्दर इन द बॉक्स देख लेते हैं आपको क्या क्या मिलता है। यहाँ पे डेटा केबल है टाइप सी पोर्ट के साथ में, अच्छी बात है, वैसे शॉमी देता ही रहता है इस रेंज में। उसके अलावा एक चार्जर है, काफ़ी वजनी लग रहा है, भारी लग रहा है, और 22.5 वाट का चार्जर है यहाँ पे, और डिवाइस 18 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। लोकलाइज्ड पिन के साथ है तो अच्छी बात है, साथ में आपको कुछ लगाना नहीं पड़ेगा। और ये जी डब्बा हमारा खाली हो गया, यहाँ पे कोई हैंड फ्री आपको मिलती नहीं है। जल्दी से रखते हैं यहाँ पे चीज़ों को साइड पे और आते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। पेपर को यहाँ पे मैं हटा लेता हूँ ताकि इसका जो फर्स्ट लुक है, जो क्लियर फर्स्ट लुक है, वो हम ले सकें यहाँ पे। और ये जो स्टिकर है इसे भी हटाते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ही ना आए। तो ये दोस्तों यहाँ पे Redmi Note 9S के चमक धमक वाला फर्स्ट लुक, और काफ़ी अच्छी लग रही है वैसे फ़र्स्ट लुक के अंदर। जो कैमरा जो इम्प्लीमेंटेशन है बैक साइड पे, वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है, रिफ्रेशमेंट है। फ्रंट साइड पे आपको ये मिडल टॉप के ऊपर डॉट नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है, और ओवरऑल डिवाइस की जो काफ़ी लुक प्रीमियम लग रही है यार। और ये ग्लास बिल्ड है इस डिवाइस की। और अगर फिज़िकल ओवरव्यू की बात करें तो ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है आपको। टॉप साइड पे आपको ये वॉल्यूम रॉकर अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं, और ये एक एल्युमिनियम का फ्रेम है। यहाँ पे नीचे वाली साइड पे देखें तो एक स्पीकर ग्रिल है, उसके साथ नॉइस कैंसलिंग माइक है, टाइप सी पोर्ट है, 3.5 mm ऑडियो जैक है, और लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे सिम ट्रे देखने को मिलती है। कॉन्फ़िगरेशन इसकी देख लेते हैं एक बार, ये एक डेडिकेटेड स्लॉट है, यानी फुल ड्यूल सिम सपोर्ट आपको देखने को मिलती है। ऊपर वाली साइड पे आपको एक IR ब्लास्टर देखने को मिलता है जो वायरलेस डिवाइसेस को कंट्रोल करेगा। उसके साथ अगर यहाँ पे देखें तो सेकेंडरी नॉइस कैंसलिंग माइक आपको देखने को मिलता है। तो ये थी सारी चीज़ें ऊपर नीचे राइट लेफ्ट सारी तरफ से, और अब चलते हैं यहाँ पे डिवाइस के फुल ऑन रिव्यू की तरफ। दोस्तों सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें Redmi Note 9S के बिल्ड, डिज़ाइन एंड लुक्स की, तो ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे Xiaomi ने बहुत अच्छा काम किया इस डिवाइस के साथ। इस डिवाइस की बैक और फ्रंट दोनों साइड पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, और ये जो फ्रेम है ये एल्युमिनियम का देखने को मिलता है। ओवरऑल इस डिवाइस की जो बिल्ड है वो काफ़ी सॉलिड आपको देखने को मिलती है। इन हैंड फील भी काफ़ी अच्छी है, बैक साइड पर काफ़ी चमक धमक आपको देखने को मिलती है। फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी है ये डिवाइस, मजीज लगेंगे तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको जो सिलिकन केस है वो यूज़ करना पड़ेगा। अभी मुझे कुछ दोस्त कह रहे थे इस डिवाइस के ड्यूरेबिलिटीज़ के इशू हैं, तो जाहिर है यार ग्लास है, फ्रजाइल चीज़ है, गिरेगी तो टूटेगी। आप कह रहे थे हेड हाइट से गिरेगी तो टूटेगी, सम टाइम जब बंदे का बुरा टाइम चल रहा हो तो पॉकेट से गिरे तब भी टूट जाती है डिवाइस, तो आपको सिलिकन केस यहाँ पर लगा के इस डिवाइस को यूज़ करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर इस डिवाइस के वेट की बात की जाए तो ऑन पेपर इस डिवाइस का जो वेट है वो 209 ग्राम है, लेकिन मैंने इसे यूज़ किया थोड़ी मुझे भारी लगी नॉर्मल डे टू डे यूज़ में जो मेरी डिवाइसेज हैं। लेकिन जैसे ही आप इसे यूज़ टू होते हैं इस डिवाइस के साथ तो फिर आपको कोई ऐसा इशू देखने को नहीं मिलता। ओवरऑल जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली। P2i कोटिंग के साथ आती है, यहाँ पे स्प्लैश रेजिस्टेंट भी है। P2i कोटिंग मतलब कि थोड़े बहुत अगर पानी के छींटे कहीं पे अराउंड इस डिवाइस के उड़ेंगे तो ये डिवाइस वहाँ पर सर्वाइव कर जाएगी। तो ओवरऑल डिज़ाइन, लुक्स एंड बिल्ड में Redmi Note 9S ने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया। अगर डिस्प्ले की बात करें तो Redmi Note 9S का डिस्प्ले 6.67 का एक बड़ा IPS LCD पैनल है जिसका रेजोल्यूशन फुल HD+ है। अगर यहाँ पे
सुपर एमोलेड पैनल होता तो मज़ा आ जाता। बहरहाल IPS LCD पैनल है। अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करें, मेरे इंट्रैक्शन की बात करें, तो आउटसाइड जो डे लाइटिंग कंडीशन है वहाँ पे कोई इशू नहीं था मुझे। ब्राइटनेस फुल के ऊपर चल रही थी, अच्छे से विजिबल था इसका डिस्प्ले। और अगर मैं इनडोर लाइटिंग कंडीशन की बात करूँ तो वहाँ पे तो कोई ऐसा इशू नहीं था, एक्सीलेंट यहाँ पे मुझे इसका जो डिस्प्ले था वो देखने को मिल रहा था। एक चीज़ जो यहाँ पे मैंने नोटिस की कि इसका जो फ्रंट पंच होल सेल्फी कैमरा है मिडल टॉप के ऊपर, यहाँ पे इसके सराउंडिंग में कुछ डार्क एरिया देखने को मिलता है, या मे बी मेरी डिवाइस के अंदर ही है कुछ ऐसा सीन, आई डोंट नो क्या सीन है। अगर आप में से कभी किसी ने ये चीज़ फील की है तो कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। अगर यहाँ पे बात करें इसके बेजल्स की, तो साइड बेजल्स को लो रखा गया है, चिन इसकी काफ़ी लो है रखी गई है। और अगर व्यूविंग एंगल्स की बात करें तो अच्छे थे व्यूविंग एंगल्स इस डिवाइस के। जब मैं मल्टीमीडिया कोई वीडियोस देख रहा था, डिस्प्ले के जो कलर्स हैं वो काफ़ी हद तक आपको पंची देखने को मिलते थे, शार्पनेस काफ़ी वेल मेंटेन थी। और मुझे कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि इस डिवाइस के अंदर कोई डिस्प्ले की ब्लीडिंग का इशू है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जितना मैंने इनको 4 दिन में इस डिवाइस को हैवीली यूज़ किया है पिछले, मुझे यहाँ पे कोई ऐसा इशू देखने को नहीं मिला। तो डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस है Redmi Note 9S के साथ वो ओवरऑल अच्छा देखने को मिला मुझे। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो इस डिवाइस की एक मेन हाईलाइट है। यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 720G चिपसेट देखने को मिलता है। जी बोले तो गेमिंग, यानी अगर आप एक गेम लवर हैं, हैवी यूजर हैं, पावर यूजर हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस है आपको ये डिवाइस काफ़ी पसंद आने वाली है। और ये चिपसेट 8nm यानी 8nm के FinFET प्रोसेस के ऊपर बिल्ड की गई है, जो काफ़ी एनर्जी एफिशिएंसी आपको प्रोवाइड करेगी, जिससे जो बैटरी बैकअप है डिवाइस का वो भी काफ़ी इन्हेंस देखने को मिलेगा। अगर पबजी ग्राफिक्स की बात करें तो मैं आपको दिखाऊं, स्मूथ के साथ यहाँ पे अल्ट्रा खेल सकते हैं आप, बैलेंस के साथ भी अल्ट्रा, और HD के साथ आप हाई के साथ जा सकते हैं मैक्सिमम। मैंने तीनों यहाँ पे लेवल्स के ऊपर खेल के देखी, गेम काफ़ी अच्छी थी, किसी भी टाइप का लैग नहीं था। बिकॉज यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन 720G है काफ़ी केपेबल चिपसेट है, यहाँ पे इवन स्टार्टअप के ऊपर भी किसी भी टाइप का मुझे कोई लैग देखने को नहीं मिला, तो बहुत अच्छा और स्मूथ गेम प्ले यहाँ पे जा रहा था। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं पबजी जो है वो आप जायरो के साथ भी खेल सकते हैं, तो यहाँ पे भी किसी भी टाइप का आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा कोई लैग का या कोई फ्रेम ड्रॉप आपको इस तरह का। अगर यहाँ पे मैं कॉल ऑफ ड्यूटी के आपको ग्राफिक्स दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स मिलते हैं आपको। लो के साथ आप जा सकते हैं मैक्सिमम ग्राफिक्स के साथ फ्रेम रेट के साथ, और यहाँ पे मीडियम के साथ मैक्सिमम फ्रेम रेट है, हाई के साथ मैक्सिमम है, और वेरी हाई के साथ आप वेरी हाई जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फुल इसके जो ग्राफिक्स हैं वहाँ पे गेम खेली, जो ओवरऑल मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस था कॉल ऑफ ड्यूटी में हाईएस्ट ग्राफिक के साथ भी, वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला, किसी भी टाइप का कोई स्टटर या लैग नहीं था। और यहाँ पे एक मज़े की बात है कि फोर्टनाइट भी मैंने रन करके देखी है, काफ़ी बेहतर चल रही थी। ऑल्दो थोड़ी हैवी है, फ्रेम ड्रॉप्स आ रहे थे, लैग्स आ रहा था, लेकिन इतने नहीं थे कि खेली ना जाए, गेम प्लेएबल थी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको मैंने खेला और बहुत इजीली आप यहाँ पे खेल सकते हैं। ग्राफिक सेटिंग्स अगर आपको दिखाऊं तो ये मीडियम के ऊपर आप मैक्सिमम इसे लेके जा सकते हैं, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मीडियम ही है, आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते इसे। तो ये स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट है, काफ़ी बेहतर है। और यहाँ पे अगर एसफॉल्ट 9 की बात करें तो ये भी बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार गेम चल रही थी यहाँ पे, तो काफ़ी मज़ा आया इसके ऊपर जो स्नैपड्रैगन 720G की वजह से गेमिंग में किसी भी टाइप का कोई आपको लैग देखने को नहीं मिलता। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है गेमिंग में वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली मुझे। अगर डे टू डे यूज़ की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, कोई ऐसा इशू नहीं था, नॉर्मल यूज में भी बहुत बेहतरीन चल रही थी डिवाइस। तो परफॉर्मेंस वाइज नो डाउट दिस इज अ वेरी गुड डिवाइस टू हैव, बिकॉज यहाँ पे नो हीटिंग इश्यूज, नो बैटरी ड्रेनिंग इश्यूज। अगर एंटूटू स्कोर्स की बात करें तो 2,75,000 के अराउंड यहाँ पे स्कोर आया, जो आल्सो एक इंडिकेशन है एक अच्छी परफॉर्मेंस का। तो परफॉर्मेंस वाइज अ बिग थम्स अप टू रेडमी नोट 9S। अगर कैमरास की बात करें तो रेडमी नोट 9S की बैक साइड पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसकी जो हाउसिंग है वो एक वर्टिकल रेक्टेंगल शेप के अंदर आपको देखने को मिलती है। एक नई लुक है, एक नई रिफ्रेशिंग लुक है, तो अच्छी यहाँ पे देखने को मिली। जो प्राइमरी सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का है, ये सैमसंग का आइसोसेल GM2 सेंसर है, जो बेसिकली 12 मेगापिक्सल का सेंसर है, और पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी जो क्वाड बे टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम करता है। और उसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ। तो ये कैमरा कॉम्बिनेशन बैक साइड पे मैंने काफ़ी वीडियोज भी निकाली, बैक साइड से फोटोज भी निकाली, सुपर स्लो मोशन के सैंपल्स भी निकाले, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। जरा एक मिनट पहले मैं फ्रंट कैमरे को डिस्कस कर लूँ। इस डिवाइस की जो फ्रंट साइड है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। अब जो मेरी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी वो मैंने जब इसका अपर्चर देखा F2.5 तो मुझे लगा यहाँ पे कुछ
कुछ गड़बड़ होने वाली है लो लाइटिंग कंडीशन में, या हो सकता है आपको डे लाइटिंग कंडीशन के अंदर भी इशू आए। तो मैं जब इसके साथ एक्सपीरियंस किया फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का आइडियल लाइटिंग कंडीशन और डे लाइटिंग कंडीशन में, तो वहाँ पर ज़बरदस्त रहा। लेकिन लो लाइटिंग कंडीशन के अंदर यहाँ पर आपको इशू देखने को मिलते हैं, जो इसके कैमरा के अंदर नॉइज़ है वो देखने को मिलती है। तो फ्रंट साइड की जो सेल्फीज़ हैं वहाँ पर भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। कुछ सैम्पल्स मैंने वहाँ से भी निकाले हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ओवरऑल यहाँ पर जो मेरी सजेशन थी कि शाओमी यहाँ पर अगर 20 मेगापिक्सल को सेंसर को यूज़ करता या 32 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ जाता और अपर्चर को थोड़ा लो रखता तो और अच्छी बात थी। तो चलिए जल्दी से यहाँ पे सैंपल देखते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे आपको कैमरा टू एपीआई का फुल सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर आपने जी कैम को यूज़ करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इस डिवाइस के बैक और फ्रंट दोनों साइड के जो कैमरा सैंपल्स हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पे बैक कैमरा के सैंपल 12 मेगापिक्सल, ऊपर सारी डिटेल्स मेंशन है। आप पिक्चर्स की क्वालिटीज़ देखिए, ओवरऑल जो इसके बैक कैमरा परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। ये आप देख सकते हैं फ्लावर्स की कुछ इमेजेस हैं, कलर्स नेचुरल हैं काफ़ी, डायनामिक रेंज अच्छे से मेंटेन की है। और ये 12 मेगापिक्सल वर्सेस 48 मेगापिक्सल आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतर क्वालिटी है। और ये रियर कैमरा के पोर्ट्रेट मोड्स हैं, बैकग्राउंड अच्छा ब्लर दिया है, एडिट डायरेक्शन अच्छी है। और ये फ्लावर्स के ऊपर हैं, फ्लावर्स की भी जो एडिट डायरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी थी, कलर्स काफ़ी नेचुरल थे। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आप विदाउट स्टेबलाइजेशन देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे आपको स्टेबलाइजेशन मिलती है 1080p पे ऊपर, जो बहुत अच्छे से काम करती है। और यहाँ पे ये है जी स्लो मोशन के सैंपल, 120fps, 240fps और 960fps, जो अगेन इसका स्लो मोशन है वो मुझे बहुत पसंद आया इस डिवाइस का। और ये यहाँ पे फ्रंट सेल्फी कैमरा के पोर्ट्रेट मोड हैं, आप एज डिटेक्शन देख सकते हैं, बैकग्राउंड ब्लर देख सकते हैं। ये दो सेल्फीज़ हैं, लेफ्ट साइड वाली विदाउट पोर्ट्रेट और राइट साइड वाली पोर्ट्रेट के साथ। और यहाँ पे फ्रंट कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग अगर बात करें तो 1080p है, लेकिन यहाँ पे किसी भी टाइप की आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलती। अगर फ्रंट सेल्फी को मैं यहाँ पे जूम इन करके आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं जूम इन करने पे भी जो क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक मेंटेन रखी है, क्वालिटी लॉस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। और अगर यहाँ पे बैक कैमरा के पोर्ट्रेट की बात करें तो ये देखें यहाँ पे भी जो एज डिटेक्शन है ये काफ़ी अच्छी है, कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट है और काफ़ी एक्यूरेसी से इसने मेंटेन की। और ये फ्रंट सेल्फी पोर्ट्रेट मोड की अगर आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं जूम इन करने पे डिटेल्स भी अच्छी हैं और बैकग्राउंड जो ब्लर है हेयर के सराउंडिंग में बहुत अच्छे से मेंटेन किया, इवन इसकी जो एज डिटेक्शन है वो काफ़ी पसंद आई मुझे। अब एक चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी अजीब लगी कि इसका जो बैक कैमरा बम्प है ये काफ़ी ज़्यादा वायर है नॉर्मली जैसे शाओमी की दूसरी डिवाइसेस में या किसी दूसरे ब्रांड की डिवाइसेस में होता है। तो ये कुछ फ्लैट सर्विस के ऊपर इस तरह की इसकी पोजीशन बनेगी, अब केस लगाएंगे तो कंडीशन कुछ बेटर हो जाएगी। अगर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात की जाए तो इस डिवाइस के अंदर मैंने यूट्यूब वीडियोज़ देखी, जैसे मैंने आपको बताया कि 1080p के अंदर वीडियोज़ चल जाती हैं इस डिवाइस के अंदर। ब्लैक्स ज़्यादा डीप नहीं है इस डिवाइस में बिकॉज IPS LCD पैनल है, लेकिन ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वीडियो जो आप वीडियो वाचिंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा आपको देखने को मिलता है। अगर आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जैसे लाइक नेटफ्लिक्स हो गया या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो इस डिवाइस के अंदर आपको वाइड वाइन L1 का सपोर्ट देखने को मिलता है, आप HD और फुल HD में स्ट्रीमिंग कर पाएंगे। हालांकि जब मैंने आउट ऑफ द बॉक्स ये डिवाइस निकाली थी तो तब वहाँ पर L3 का सपोर्ट था, लेकिन एक अपडेट के थ्रू यहाँ पर जो वो L3 था वो L1 के अंदर चेंज हो गया, मतलब आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जो है वो HD के अंदर कर पाएंगे। अगर ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो इस डिवाइस की नीचे वाली साइड पे एक सिंगल स्पीकर है, उसका जो ऑडियो आउटपुट लेवल है जो उसकी लाउडनेस है वो मुझे तो ठीक लगी, कोई ऐसा इशू नहीं आया। डे टू डे यूज़ के अंदर जो ऑडियो थी वो अच्छे से आ रही थी मुझे, ना कोई ऑडियो का ऐसा इशू आया। तो ओवरऑल जो मेरा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है इस डिवाइस के साथ वो अच्छा देखने को मिला। रैम और स्टोरेज की अगर बात की जाए तो इस डिवाइस के अंदर 6GB रैम है जो LPDDR4X लेटेस्ट रैम टाइप है। रैम मैनेजमेंट अच्छी देखने को मिली, जो मल्टी टास्किंग एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। जो स्टोरेज है यहाँ पे 128GB है और ये UFS 2.1 स्टोरेज है जिसकी रीड एंड राइट स्पीड काफ़ी अच्छी है। जो एप्लीकेशन का लोडिंग टाइम था वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। तो ओवरऑल जो रैम और स्टोरेज का एक्सपीरियंस है वो अच्छा देखने को मिला मेरा Redmi Note 9S के अंदर। अगर यहाँ पे OS की बात की जाए तो Redmi Note 9S में आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 10 देखने को मिलता है, जिसके ऊपर Xiaomi की अपनी कस्टमाइज जो UI है MIUI 11 वो देखने को मिलती है। तो Xiaomi की ये जो UI है ये काफ़ी फीचर रिच है, कस्टमाइज
कस्टमाइजेशंस काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको डार्क मोड का ऑप्शन भी देखने को मिलता है जो आप इनेबल कर सकते हैं, जिससे जो बैटरी है वो थोड़ी और कम कंज्यूम होगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो ब्लॉटवेयर्स हैं वो मुझे ज़्यादा देखने को नहीं मिले यहाँ पे, और कोई दूसरा कोई ऐड शैड का इतना इशू मुझे देखने को नहीं मिला। ओवरऑल जो OS का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेहतर रहा मेरा इस डिवाइस के साथ। अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको इस डिवाइस में कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला, बिकॉज मैंने इसे जब टेस्ट किया तो मुझे कोई इशू नहीं आया। बैटरी का कोई ड्रेनिंग इशू नहीं था, कोई हीटिंग इशू नहीं थे। यहाँ पे 5020 mAh की एक बड़ी बैटरी है, साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को इंक्लूड किया गया है, और डब्बे में से आपको 22.5 वाट का एक चार्जर देखने को मिलता है। तो 18 वाट की जो फास्ट चार्जिंग है, मुझे लगा कि थोड़ा सा जैसे रियलमी ने इनिशिएटिव लिया 30 वाट की चार्जिंग, तो शाओमी को भी थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल एक बड़ी बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग को इंक्लूड किया है। थोड़ा सा मैं चार्जिंग टाइम आपको बताता हूँ इसके क्या थे। अगर यहाँ पे बैटरी के बैकअप की बात करें तो नॉर्मल यूज़ के साथ जाते हैं, थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग करते हैं, तो ये 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप आपको आराम से प्रोवाइड करेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ करते हैं, आप डे में सम टाइम काफ़ी टाइम गेमिंग करते हैं, तो ये फिर इसका जो बैटरी बैकअप है वो 1 दिन तो आपको बहुत आराम से देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे अवेलेबल सेंसर्स की बात की जाए तो इस डिवाइस के अंदर सारे जो सेंसर्स हैं वो अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग यहाँ पे आपको जायरो का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। पबजी गेम भी जायरो के साथ अच्छे से खेल सकते हैं, वहाँ पे भी कोई ऐसा इशू नहीं है, आपको मैंने दिखा दिया वहाँ पे। और अगर LED नोटिफिकेशन लाइट की बात की जाए तो यस, इस डिवाइस के आपको टॉप साइड के ऊपर बिल्कुल जो एयर पीस है उसके अंदर एक LED लाइट देखने को मिलती है, जो इसका जो एक ही कलर है वाइट कलर में है, वो मल्टी कलर्स के अंदर अवेलेबल नहीं है। नोटिफिकेशन के साथ वो एक ब्लिंकिंग वाला सीन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो नोटिफिकेशन LED यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके अलावा NFC का सपोर्ट आपको इस डिवाइस के अंदर देखने को नहीं मिलता। नेटवर्क क्वालिटी और वाईफाई कनेक्टिविटी की अगर यहाँ पे बात करें तो नेटवर्क बहुत अच्छे से आ रहा था। मैंने 2 से 3 सिम कार्ड को यूज़ करके देखा, नेटवर्क रिसेप्शन अच्छी थी, कोई डिस्टॉर्शन किसी साउंड के अंदर या कोई कॉल क्वालिटी में कोई यहाँ पे बुरी चीज़ देखने को नहीं मिली। और अगर यहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी की बात करें तो राउटर से थोड़े फासले के ऊपर बैठ के भी जो इसकी वाईफाई की रिसेप्शन थी सिग्नल्स की, वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली और काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली। अगर सिक्योरिटी फीचर की बात की जाए तो Redmi Note 9S में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है और फेस ID भी देखने को मिलती है। और ये जो दोनों सिक्योरिटी के फीचर हैं थोड़ा थोड़ा स्लो मुझे देखने को मिले, जो बहुत ज़्यादा जिन्हें एक्सीलेंट स्पीड कहते हैं वो आपको देखने को नहीं मिली। जैसे आप साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर की समटाइम आपको दूसरी डिवाइसेज के अंदर देखने को मिलती है। अब उसका जो रीज़न मुझे ये लगा कि जो MIUI स्किन है इसकी जो होम पेज के ऊपर एनिमेशन है उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत स्लो आपको देखने को मिलती है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डेमो दिखाता हूँ। ये मैं आपको पहले साइड माउंटेड जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसका डेमो दिखाता हूँ। ये देखें तो ये यहाँ पे ऑन हुई, और दूसरा यहाँ पे ये देखें, और ये तीसरा। यानी कि कहने का मतलब है कि एक्यूरेटली डेटा को रीड करती है, थोड़ा सा ऑन होने में एनिमेशन की वजह से यहाँ पे टाइम लेती है, नहीं तो अगर ये एनिमेशन ना होती तो मे बी यहाँ पे और अच्छे टाइम के ऊपर ये अनलॉक होती। ओवरऑल एक रिलायबल आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो देखने को मिलता है। अभी नाउ लेट्स ट्राई आउट फेस ID। तो ये देखें फेस ID भी अच्छे से काम कर रही है डिवाइस की, और बस ये जो एनिमेशन आप देखते हैं इसकी वजह से मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा स्लो कहीं पर देखने को मिलती है। तो ओवरऑल इस डिवाइस की जो फेस ID और इसका जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसकी सिक्योरिटी रिलायबल लगी मुझे, लेकिन थोड़ी सी स्लो लगी। और अब बारी है यहाँ पे मेरे फाइनल वर्डिक्ट की Redmi Note 9S से रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों, मैंने रिसेंटली एक कंपैरिजन वीडियो बनाई थी, मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी इस डिवाइस से रिलेटेड वो यही थी कि अगर ये 37 से 38 के अराउंड आती पाकिस्तानी मार्केट्स में तो और अग्रेसिव प्राइसिंग के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन होती, लेकिन स्टिल 40,000 की प्राइस टैग के ऊपर ये डिवाइस आई है। एक कंप्लीट पैकेज है आपको आफ्टर डिस्काउंट ये 38 के अराउंड कहीं पे देखने को मिल जाएगी। जो हाइलाइटिंग फीचर्स, जो मज़ा आया डिवाइस को यूज़ करने में, इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी लगी। स्नैपड्रैगन 720G एक एनर्जी एफिशिएंट चिपसेट है 8 नैनोमीटर वाली। गेमिंग परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं आया मुझे, डे टू डे यूज़ के अंदर बहुत ज़बरदस्त चल रही थी ये डिवाइस। कैमरा परफॉर्मेंस इस डिवाइस की जो है काफ़ी ज़बरदस्त लगी मुझे, डे लाइटिंग कंडीशन में और इनडोर के अंदर आइडियल लाइटिंग कंडीशन में। यहाँ पे लो लाइटिंग में थोड़ा सा ये डिवाइस स्ट्रगल कर रही थी, यहाँ पे आपको नॉइस देखने को मिल रही थी, और फ्रंट साइड का जो पर्चर है वो 2.5 है यहाँ पे 16 मेगापिक्सल के साथ, तो लो लाइट में आपको जो ग्रेन्स हैं जो नॉइस है वो देखने को मिलेगा, लेकिन जो आइडियल लाइटिंग कंडीशन इंडोर इन्वायरमेंट में भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। बैटरी भी अच्छी है, बैकअप भी अच्छा मिलेगा आपको। जो फास्ट चार्जिंग है वो 18 वाट की है, थोड़ी ज़्यादा वाली रखते तो अच्छी चीज़ थी, जैसे दूसरे ब्रांड ने इनिशिएटिव लिया है यहाँ पे 30 वाट का, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले जाती है अगेन, लेकिन बैकअप की तरफ से कोई इशू नहीं है। जो बिल्ड है इस डिवाइस की वो काफ़ी सॉलिड है, बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं किया, इन हैंड फील्ड काफ़ी सॉलिड है, गोरिल्ला ग्लास
की यहाँ पे प्रोटेक्शन है गोरिल्ला ग्लास की। तो ओवरऑल यहाँ पे कुल मिला के मेरा जो ओपिनियन है रेडमी नोट 9S 38,000 रुपये की प्राइस पॉइंट के ऊपर अगर आप इसे कंसीडर करते हैं तो ये एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है एंड आई कैन ईजिली रिकमेंड दिस डिवाइस टू यू गाइज। आप इस डिवाइस को बाई कर सकते हैं। ये थे मेरे यहाँ पे ऑनेस्ट थॉट्स इस डिवाइस के बारे में। आपको क्या लगता है रेडमी नोट 9S कैसी डिवाइस है इतनी प्राइस के अंदर, आप क्या सोचते हैं? वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लोहरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।